दोस्तों आज हम जानेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में, उसमें क्या क्या पार्ट्स होता है, उसका क्या क्या नाम है और कौन सा कंट्रोलिंग कहाँ जाता है, किसका क्या काम है। तो चलिए दोस्तों ये देखिए, ये है MCB मोटर सर्किट ब्रेकर, जो मैग्नेटिव के द्वारा ऑन होता है और इस पे एम्पियर भी सेट हो किया जाता है। ये ऑन का है स्विच और ये ऑफ का स्विच है, ये ऑफ हो गया पूरे, फिर इसको दबाएं ये ऑन हो गया, ये देख सकते हैं। ये है हमारे एम्पियर सेट करने के लिए, इसको इस तरह से खोलेंगे और एम्पियर सेट करेंगे, इस पर 13 से 18 एम्पियर के बीच में सेट करेंगे इसको। अगर ज़्यादा एम्पियर लेता है तो ट्रिप कर जाएगा। ये है सिंगल पोल MCB, ये कंट्रोलिंग के लिए होता है। ये है हमारा न्यूट्रल पॉइंट, जो कंट्रोलिंग के लिए ही होता है, इससे हमारा मेन कॉन्टैक्टर में गया है, मेन कॉन्टैक्टर से ये निकला है। ये है हमारा ओवरलोड रिले, अगर ये इससे हमारा एम्पियर ठीक है और इसमें सेट करती है हम कम, तो ज़्यादा एम्पियर लेगा तो ये ट्रिप कर जाएगा, ट्रिप करा देगा कंट्रोलिंग को। यहाँ से ये कंट्रोलिंग निकली है, ये ट्रिप करेगा कंट्रोलिंग 1-3 पर, ये बंद कर देगा आना, NC बंद कर देगी आने, 96 नंबर 795 ये बंद कर देगा। बंद करने के बाद यहाँ से हमारा सप्लाई इसमें आया है, ये ऑन नहीं होने देगा। ये है हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर और ये हमारा है स्टार कॉन्टैक्टर। जब हम ऑन करते हैं तो पहले हमारा मेन और स्टार लगता है, होल्ड होता है, उसके बाद ये टाइमर है, ये टाइमर जैसे हमारा, ये जैसे हमारा टाइमर के अनुसार स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करता है। जैसे स्टार का टाइमर टाइम पूरा हुआ, डेल्टा टाइम ऑन किया, तो स्टार वाला हमारा कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा और डेल्टा वाला ऑन हो जाएगा। और ये है हमारा सिंगल फेस प्रिवेंटर, इसमें हम 3 फेस प्रोटेक्शन होता है। अगर हमारा 2 फेस आ रहा है या फिर फेस हमारा उल्टा है, फेस सीक्वेंस उल्टा है, तो इसके वजह से ये होल्ड नहीं होने देगा और इस ये होल्ड नहीं होने देगा तो ये आउटपुट ये कंट्रोलिंग में जाएगी नहीं। ये 2 नंबर, ये 3रा नंबर निकला, ये 3रा नंबर जाता है यहाँ आया और यहाँ से 4था नंबर निकल के कंट्रोलिंग जाती है। 4था नंबर हमारा इसमें आएगा और यहाँ कॉन्टैक्टर में, और कॉन्टैक्टर से दूसरे में एक दूसरे का होल्डिंग लगा जाता है। जहाँ ये देखिए न्यूट्रल पॉइंट है और इस साइड में एक होल्डिंग लगी है, ये देखिए। ये हमारा है स्टार NO और ये NC बटन, ये है सेलेक्टर स्विच, ये हम स्टार्ट ऑन करेंगे, स्टार्ट बटन ऑन करेंगे तो पहले हमारा मेन और स्टार लगेगा। ये देखिए ये लग चुका है, ये लग चुका है, अभी ये ऑफ हो गया जैसे,
और ये ऑन हो गया दोनों, ये कंटिन्यू चलते रहेगा। जैसे हम स्टॉप स्विच को ऑफ करेंगे, ये स्टॉप स्विच को बंद करेंगे, ये सारे बंद हो जाएगा। अगर हमारा फेज सीक्वेंस उल्टा है तो ये सप्लाई नहीं देगी आउटपुट, सप्लाई यहाँ तीन नंबर में नहीं आएगा, और तीन नंबर में सप्लाई नहीं आएगा इस वजह से हमारा आगे सप्लाई कंट्रोलिंग में यहाँ तक नहीं आएगी, ये यहाँ नहीं आएगी। तो ये भी जब ये सप्लाई नहीं देगा तो ये भी आउट नहीं करेगा सप्लाई। और अगर ट्रिप कर जाता है किसी वजह से, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएटर लोड के वजह से, तो हम यहाँ से रिसेट कर सकते हैं, स्टॉप रिसेट यहाँ से भी स्टॉप ट्रिप करवा सकते हैं और रिसेट भी कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, जैसे हमने यहाँ स्टार्ट कर दिया, ये हमारा होल्ड हो गया। अब हम यहाँ से ट्रिप करवा सकते हैं, ये ट्रिप होगी, यहाँ से भी ट्रिप करवा सकते हैं। ये एडन ब्लॉक है, एक जल्दी ये कॉन्टेक्टर उधर कॉन्टेक्टर है, ये एडन ब्लॉक है, ये इस तरह से खुल जाता है। ये कॉन्टेक्टर हमारा स्नाइडर का लगा हुआ है, ये टाइमर है, ये इस तरह से खुलता है। यहाँ एक पिन होती है, ये पिन, ये देखिए पिन होती है, ये पिन को दबा के जब हम फंसाएंगे तो छोड़ देंगे इस पिन को, अपने आप फंस जाएगा। और जब खोलना होगा तो ये पिन दबाना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, जब तक पुश नहीं करेंगे हमारा नहीं खुलेगा। ये लग गई। थैंक यू।